नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी दिल्ली छोड़कर जो है अब हरियाणा में ही डेरा डालना शुरू कर दिया है। हिसार में बीजेपी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आयोजन भी हुआ जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जहां एक तरफ सरकार के कार्यों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माता और बहनों ने यहां एक नारा दिया है, मारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉनस्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2,80,00,000 यहां के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो, अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद
आपके आशीर्वाद से 2100 रुपए पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15,000 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है, उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर नफरी नहीं रहेगा, हरियाणा सरकार ने उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। अब एक खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर रेवाड़ी से विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राज जो है उनके चुनाव प्रचार के लिए लगातार देश भर के दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं। जहां नॉमिनेशन करवाने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पहुंचे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और दिग्गज नेता सचिन पायलट, सांसद राजबब्बर, राजस्थान विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिरंजीव राव के उत्तम नगर में जनसभा कर चिरंजीव राव को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने निवास स्थान मॉडल टाउन पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को रेवाड़ी विधानसभा में रोड शो करेंगे। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि चिरंजीव राव एक नंबर के विधायक हैं और एक नंबर का उनका चुनाव चिन्ह है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतों से चिरंजीव राव को जिताएं। तीस सितंबर को अशोक गहलोत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 1 या 2 तारीख में से रोड शो करेंगे रेवाड़ी के अंदर। मैं समझता हूँ कि आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, जो उनका ग्राफ ऊंचा उठाया, जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बातें कही है, वे बाकी से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, उनका यह आना मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता रहे चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए लगातार
बीजेपी के प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी नसीम अहमद को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ कांग्रेस और इनेलो के दामन को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। नसीम अहमद को विधानसभा के गांव डुंगेजा जेतलका बडेट खेड़ाबास पाटखोरी सहित अन्य गांव में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मौके पर गांव में पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी नसीम अहमद का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। गांव के बच्चा बच्चा ने आकर नसीम अहमद के सिर पर अपना हाथ रखा तो बुजुर्ग महिलाओं ने भी नसीम अहमद को अपनी दुआएं दी। इस मौके पर बीजेपी नेता विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह जोश व जुनून को आगामी 5 अक्टूबर तक बरकरार रखें और वे इस चुनाव में भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे फिरोजपुर जिला विधानसभा के नीमचड़ा गांव में हमारा स्वागत समारोह और जो है जन समर्थन मिल रहा है और पूरे जोश और उत्साह के साथ साथियों का प्यार मिल रहा है, भाइयों का प्यार मिल रहा है। जिस तरीके से लोग इसका उत्साह के साथ आज समर्थन दे रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबेंगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर फिरोजपुर जिला से हमारी जीत होगी। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्ण में उतर चुके हैं और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस एक समस्या का नाम है और देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस की है। देश का बंटवारा हो, त्रासदिया हो, कांग्रेस ने देश की जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की हर बार गलत मानसिकता रही है और देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता भुट्टी में ढकेलने की कार्य कर रही है और ये सब कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में 5 सदी के बाद यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, लाखों हिंदू बलिदान हुआ। और वह चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घोषणा पत्र सभी वर्गों से बात करके तैयार किया गया है। लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं और इससे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटी भी जारी की थी। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान की तरह ही 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने किसान आयोग का गठन, एमएसपी की गारंटी, महिला किसानों के लिए सुविधा देने की बात कही है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटते हैं। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने अपने किसी घोषणा पत्र पर कभी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आलाकमान जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उन्हें पता है कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनती तो उन्हें अचानक झटका लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। वही हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी खत्म की जबकि भाजपा खुद ठेकेदार बन गई। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट 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 आपके खाते में आ जाएगा। कहां गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। रवि बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 64 पहुंचे, जहां पर सेक्टर 64 के निवासियों ने भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षो में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो दिशा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना ही अभी तक किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस वाले आते हैं और झूठे वादे करके जनता के बीच चले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। मुझे हालात जो पूरे प्रदेश में लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता में जो उल्लास है, जो जोश है, 30 बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा की 9 की 9 जीतने वाले हैं। इस तरह का प्यार है लोगों को काम के प्रति, देश के प्रति, नौजवानों के प्रति। जिस तरह के विपक्ष अलूल झलूल बयान देता, जिस तरह की बात कर रहा है उससे आम व्यक्ति दुखी है। और इस बात से है कि जहाँ जिस हतीन में पाकिस्तान के नारे लगते हों और पाकिस्तान के झंडा दिखाई दे हों और वहां के कांग्रेस के सभी अधिकारी बैठे हों और मुख बने रहे। और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आओ भैया केक काटे। पापा पंखा बंद करो। अरे गलत बटन दब गया। आड़े तो ठीक से पर 5 तारीख ने गलत बटन ना दबा दिए। भरोसा रख बापू, बीजेपी को ही लाएंगे। भरोसा तो पूरा से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और सभी सरकारी अस्पताल में मिलेगा फ्री डायलिसिस। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रत्याशी बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा और भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने गांव को बल्लभगढ़ एमबीएन सोसायटी में बुलाकर किया सम्मान और राधी रिकॉर्ड दौड़ मतों से जीत का भरोसा। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने भी एमबीएन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं और आगे भी बल्लभगढ़ के विकास को लेकर संकल्परत हैं। और इसी के साथ ही गांव से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने भी कहा कि बल्लभगढ़ को कैबिनेट मंत्री रहे श्री मूलचंद शर्मा ने जन्नत बनाने का काम किया है। स्लम एरिया तक पक्की सड़कें सीवर पानी पहुंचाने का काम किया है। इतना काम आपके योगदान लड्डू का बना, अम्बेडकर चौक का बना, बाईस का बना, तेईस का बना, ऊंचे गांव का बना, नगर का निरम का कार्य
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।